तो देखो दोस्तों, ये घी बन ही चुका है ऑलमोस्ट। और ये देखो, ये खोया, जब ये खोया घी निकाल लेगा तो ये जो घी है ये पूरा बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षता बिष्ट और आपका स्वागत है मेरे चैनल अक्षताज ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर की दूध की मलाई से घी, छाछ और मक्खन कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं मलाई निकाल देती हूँ। मलाई में मैं डालूंगी एक छोटा चम्मच दही। मैं दही भी निकाल देती हूँ। दही भी निकाल दिया मैंने दोस्तों। और अब एक छोटा चम्मच हम डालेंगे, एक चम्मच मतलब हम डालेंगे दही। तो एक चम्मच दही डाल दी और अब हम एक दिन के लिए इसे बाहर रख देंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमें मलाई में डाल देनी है एक चम्मच दही और फिर ओवरनाइट रख देना है बाहर। और अब देखो, और अब हम इसका बटर बनाएंगे और फोक की सहायता से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो आप देखोगे दोस्तों कि जब हम इसे थोड़ी देर के लिए मिलाएंगे तो बटर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो अब हम मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। और देखिए इसका टेक्सचर एकदम अलग हो गया। अब ये जो मलाई है वो फॉर्म में आ रही है बटर के। और अब ये जो मलाई है हम एक पतीले में ट्रांसफर कर देंगे। ओह, बहुत सारी मलाई थी और ये पूरा हो गया। और अब देखिए, और अब हम इसमें एक लोटा नॉर्मल पानी डाल देंगे, ना गरम ना ठंडा। ओके, तो दोस्तों थोड़ा घुमाने के बाद आप देखोगे कि बटर ऊपर आ गया और छाछ नीचे। और अब हम इसे अलग कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, छाछ और बटर अलग हो चुकी है। ये बटर है वाइट बटर। आप वाइट बटर यूज कर सकते हो घी बनाने में। और अगर आपको घी नहीं बनानी तो आप इसे वाइट बटर जैसे बना सकते हो। या नमकीन बटर बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दीजिए। और ये है हमारी छाछ। तो छाछ आप पी सकते हो या आप करी बना सकते हो इसकी, या आप इसकी सूजी की इडली बनाने में यूज कर सकते हो। तो चलो आपको दिखाते हैं बटर से घी कैसे बनता है, आइए किचन में। तो ये हमने कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर देती हूँ। और अब मैं बटर डाल देती हूँ और देखो वो तो मेल्ट भी होने लग गया है। तो देखो बटर मेल्ट होने लग गया। तो मैं मीडियम लो फ्लेम कर देती हूँ। ओके, और देखो कलर चेंज हो गया। अब प्रोसेस हो रहा है घी बनने का। तो हम इसे यूं ही पकने देंगे।
ये अभी घी के फॉर्म में आएगा, पूरा येलो हो जाएगा और फिर घी के फॉर्म में आने लगेगा धीरे धीरे। दोस्तों देखो मलाई धीरे धीरे घी के फॉर्म में आ रहा है, येलो येलो हो रहा है। तो अगर मैं यूं करूंगी ना तो देखो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये खोया है, खोया भी हो रहा है। देखो अच्छे से येलो हो गया। जब ये जो खोया है ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ऐसे बननी वाला है तो मैं ऑफ ही कर देती हूँ दोस्तों। तो देखो कैसे बबल हो रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं एक ग्लास के जार में मैं डालूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। तो दोस्त तो घी थोड़ा ठंडा हो चुका है तो, और ये जो नीचे वाला है इसे आप दाल या सब्जी में किसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो अब हम इस घी को एक ग्लास के जार में डालेंगे। तो दोस्तों देखो मैं डाल रही हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो घी है वो अभी गर्म है इसलिए हमने पानी में रखा है। तो देखिए दोस्तों कितना घी बनाया हमने, वाह। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और मेरी हर वीडियो में लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करें। बाय बाय।